सिर्फ 3 लोगों ने सब्सक्राइब किया था इस चैनल को, और वो लोग थे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, जाहिर सी बात है कि आप एक क्रिएटर होंगे। आप किसी ना किसी कैटेगरी में वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे और आपने ये जरूर सर्च किया होगा, हाउ टू गेट सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, हाउ टू इंक्रीज व्यूज, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मैंने भी ये सब सर्च किया था, लेकिन इसका जो रिजल्ट मुझे मिला था वो क्या था? 0। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 3 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे थे, वो थे मेरी ही अपनी फैमिली के मेंबर। मैंने उनके फोन से अपने चैनल को सब्सक्राइब किया था जब ये चैनल बनाया था, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइबर व्यूज, वॉच टाइम, ये सब कुछ देखा, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। तो उसके बाद जो मैंने अप्लाई किया है इस चैनल पे 3 सब्सक्राइबर के बाद, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। आपको आज से ही वो चीजें अप्लाई करनी है। ये तो नहीं मैं आपको कह रहा कि आपका चैनल बहुत बूस्ट हो जाएगा, लेकिन आप रिजल्ट खुद देख लेना अपनी आंखों के सामने कि आपको कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था, ये 11 महीने के बाद मोनिटाइज हुआ था। मैंने अपनी मेहनत से मोनिटाइज करवाया है। अक्सर मैंने देखा यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनाई जाती है कि आप अपने ऐप्स के जरिए सब्सक्राइबर इंक्रीज कर लो, वो आपको वेबसाइट का बताएंगे या सफर सब का बताएंगे, तो ये ऊट पटांग बातें बताकर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो बिगिनर्स होते हैं उनको इतना नहीं पता, वो इनकी बातों में आकर फंस जाते हैं। तो आपको पहली बात ये सब देखना बंद करना है, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, व्यूज, ये सब देखना बंद कर दीजिए, आज से ही बंद कर दीजिए, और वही टाइम आप अपने कंटेंट में दीजिए, अपने थंबनेल को इंप्रूव कीजिए, अपने टाइटल अच्छे कीजिए। आपके ये तीनों चीजें ही काम आएंगी, टाइटल, थंबनेल, आपका जो कंटेंट है, इसके अलावा कुछ भी काम आपके आने वाला नहीं है। और जो लोग ये सर्च कर रहे हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, उनमें से सिर्फ 3% लोग ही जो हैं वो ग्रोथ उनको मिली है, और बाकी जो 90% लोग हैं उनमें से कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये सब देखना क्यों आपको बंद करना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि हम किसी वेबसाइट से या किस कहीं से बोलकर किसी से सब्सक्राइब करवाते हैं अपने चैनल को, होता क्या है कि जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो YouTube एल्गोरिथम हमारी वीडियो को पुश करता है हमारी जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके होम पेज पे। तो दोस्तों अगर हमने ऐप से सब्सक्राइबर लिए होंगे या कहीं बोलकर करवाए होंगे तो वो हमारी वीडियो नहीं देखेंगे, जिससे YouTube एल्गोरिथम ये समझेगा कि इसकी खुद की ऑडियंस वीडियो नहीं देख रही, तो उसके इंप्रेशन आगे नहीं भेजता। तो इसलिए आपको ये सब कुछ बंद करना है। आप जब भी वीडियो अपलोड करो आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे जो पहले वीडियो मैंने डाली है उससे अच्छी बनानी है। आप इसी चैनल पर देख सकते हैं जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, मैं हर एक वीडियो में चेंजेस करता आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, आपको भी चेंजेस ही करनी है, यही चीज़ आपके काम आएगी और आपके कुछ भी काम नहीं आने वाला। मैंने अपनी मेहनत से इस चैनल को मोनिटाइज करवाया, अभी चाहे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं लेकिन जितने भी हैं मेरी अपनी मेहनत के हैं, मैंने कभी किसी को नहीं बोला। सिर्फ स्टार्टिंग में 3 सब्सक्राइबर थे जो मेरी फैमिली मेंबर थी, वही मैंने बोलकर सब्सक्राइब करवाए थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां के वहां ही बैठे हैं, क्योंकि वो सब्सक्राइबर, व्यूज, वॉच टाइम के पीछे भाग रहे हैं। तो आपको भागना अपने कंटेंट के पीछे भागिए, उसको इंप्रूवमेंट कीजिए। डेली जब भी आप वीडियो डालते हो, चाहे आप एक दिन छोड़कर डाल रहे हो चाहे डेली डाल रहे हो, हर एक वीडियो में आपको इंप्रूवमेंट करनी है, चाहे थोड़ी बहुत कीजिए, और अपना रिजल्ट आप खुद 1 महीने के बाद देख लेना अपने चैनल पर। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा नहीं है, या हमारी वॉयस अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी ऐसे बातें सोचते हैं जिस कारण वो काम नहीं कर पाते, लेकिन ये एक फैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस अपनी वीडियो को आपको इम्प्रूव करना है, चाहे आप किसी भी तरीके का कॉन्टेंट बनाओ, अगर लॉन्ग वीडियो बना रहे हो तो अपने थंबनेल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने कॉन्टेंट अंदर की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। आज के टाइम पर देखा जाए तो क्वालिटी भी देखी जाती है, पहले क्वालिटी का इतना ध्यान नहीं दिया जाता था 5-7 साल पहले, आज के टाइम पे आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, ये सब देखना बंद कीजिए, और वही टाइम आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने में लगा दीजिए। जो आपने वीडियो डाल दिया है उससे अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए अपने आने वाली वीडियो को, इतना ही काम करना है। इस चैनल पर मैं अभी यही कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट देखने को मिल रहा है अच्छा खासा, इसलिए मैंने सोचा कि जो कुछ मैं अपने चैनल पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ वो आपसे भी शेयर कर दूँ, क्योंकि इस चैनल पर मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता, इस पर
पे मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, इस पे मेरा प्रैक्टिकल होता है, वही मैं शेयर कर देता हूँ। सो आज से ही वो सब देखना बंद कर दीजिए और अपने कंटेंट को डे बाय डे इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों 3 सब्सक्राइबर से 3K का जो सफ़र था इसमें मैंने यही किया था, आप देख सकते हैं वीडियो वाले सेक्शन में जाकर, और आपको भी यही करना है। सो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, सो आपको थोड़ा अवेयरनेस देना था, सो दिया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को